4 दिसंबर से शुरू होने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक साप्ताहिक समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले समारोह की शुरुआत 4 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ की जाएगी, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनु कुमार सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 28वां संस्थापक समारोह 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा, जिसका शुभारम्भ 4 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा से की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में CDS के अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा होंगे। उन्होंने बताया कि इस समारोह में कॉलेज परिसर में बनाए गए भव्य मंच के लोकार्पण के साथ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ गुरु गोरखनाथ व महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के शोभा यात्रा में 2500 छात्र एवं छात्राएं भाग लेंगे। इसके अलावा 7 दिनों तक निबंध, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को 10 दिसंबर को समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा। ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 88वां संस्थापक सप्ताह समारोह जो 4 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 10 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिसंबर में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में CDS जनरल विपिन रावत जी हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है माननीय दिनेश शर्मा जी हैं, जिसमें सभा मंच का लोकार्पण, मंच पे महाराणा प्रताप जी, परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की दिव्य आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, उसका अनावरण भी होना है, सभा मंच का लोकार्पण भी होना है। और ये हर साल संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। सर, इसमें स्कूल कितने कॉलेज के छात्र? महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में लगभग 4 दर्जन संस्थाएँ सम्मिलित हैं। कोविड को देखते हुए इस बार शहर से जुड़े 12 संस्थाओं के छात्र सम्मिलित होंगे और अन्य संस्थाओं का बैनर प्रतिनिधि के रूप में चलेगा। और लगभग विगत वर्षों में इस कार्यक्रम में 8 से 10 हज़ार बच्चे प्रतिभाग करते थे, लेकिन कोविड को ध्यान में रख करके इस बार 2500 बच्चे जो है प्रतिभाग करेंगे।